नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टाइम्स। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा विश्वविद्यालय में आम बैठक का आयोजन कर छात्र छात्राओं को रिजल्ट संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया, जहां मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा ने कहा कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को विश्वविद्यालय में हमारे संगठन द्वारा छात्र अदालत का आयोजन किया जाता था। नगर निगम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए छात्र अदालत को 22 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन छात्रों के बीच छात्र अदालत के माध्यम से समस्या का समाधान होने का विश्वास है, जिसको लेकर आज विश्वविद्यालय में करीब 500 से अधिक छात्र संख्या में पहुंचे, जहां छात्र अदालत न देखकर यूनियन के पदाधिकारी से संपर्क करना चालू किए। यूनियन के सेनानी ने विश्वविद्यालय में आकर आम बैठक का आयोजन कर सभी छात्र छात्राओं का समस्या का समाधान किया। अदालत में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, झंझारपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया जैसे दूर दराज से आए छात्रों को एडमिट कार्ड, मार्कशीट लेकर उनके समस्या को समाधान करने का हर संभव आश्वासन दिया। देखिए, आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हर विभाग में ताला मारा हुआ है, पदाधिकारी चेंबर से फरार हैं और छात्र जो हैं सो हजारों के संख्या में आज विश्वविद्यालय पहुंचे। पिछले ही छात्र अदालत में शुक्रवार को हम लोगों के द्वारा घोषणा कर दिया गया था, जो नगर निगम चुनाव के मद्देनजर अब छात्र अदालत 22 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है, लेकिन छात्रों में हमारे छात्र अदालत का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार है और विश्वास है जो छात्र अदालत के माध्यम से समस्या का समाधान होता है। तो आप देख सकते हैं, आज बंद रहने के बावजूद और छात्र अदालत स्थगित रहने के बावजूद आज विश्वविद्यालय में हजारों के संख्या में छात्र इसलिए आए, क्या MSU का छात्र अदालत लगा होगा और जाएंगे तो हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा। देख सकते हैं करीब यह 400-500 के लमसम में आवेदन हमारे पास जमा हुआ है। आज जितने छात्र मेरे पास आए विश्वविद्यालय बंद रहने के कारण और छात्र अदालत स्थगित रहने के कारण एक आम बैठक किया गया, क्योंकि जब अदालत से आपको या कहीं तंगी आ जाएंगे, न्याय नहीं मिलेगा, तो आप समाज में भी देखते होंगे जो सामाजिक बैठक होता है और उससे भी मामला को निपटारा किया जाता है। तो आज का छात्र अदालत स्थगित था, इसीलिए हम सभी छात्रों ने एक आम बैठक करके सभी समस्या को सुने हैं और इसको पुनः हम अपने लेटर पैड पे लेके और विश्वविद्यालय प्रशासन को, परीक्षा नियंत्रक महोदय को सौंप के एक सप्ताह के अंदर में पुनः इन सारे रिजल्ट को कहेंगे पास कर देने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई डाटा नहीं है और छात्र विश्वविद्यालय लगातार इनके गलती के कारण जो है सजा भुगत रही है, विश्वविद्यालय का चक्कर काट रही है। 4-4, 5-5 बार छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा भवन में आवेदन दे दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट नहीं क्लियर होता है। आप देखेंगे तो आपको इस विश्वविद्यालय से नफरत जैसे लगेगा, क्योंकि यह पहला विश्वविद्यालय है जिसमें करोड़ों रुपया कंप्यूटर सेक्शन को भुगतान करने के बावजूद कंप्यूटर सेक्शन में ताला लगा रहता है और परीक्षा नियंत्रक का पद जो एक गरिमामय पद होता है उनके पास छात्र लाइन लगा के खड़े रहते हैं अपने समस्या के लेके। इससे पूरा विश्वविद्यालय में देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अभी JEE और कुल सचिव रजिस्ट्रार द्वारा जो लोहा चोरी का मामला आया है उसको लेके भी हमारे संगठन और हम संघर्षरत हैं। थाना प्रभारी को मामला दर्ज करना होगा। हम लोग आज मिलने वाले थे SSP महोदय से, लेकिन आज नहीं मिले, कल मिलके उनके सामने अपना समस्या रखेंगे और अविलंब कहेंगे जो भी दोषी पदाधिकारी है उन पे मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करे, ताकि यह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में ललित बाबू के धरती पे फिर कोई पदाधिकारी ऐसे भ्रष्टाचार कर। विश्वविद्यालय के रवैये से आप बिल्कुल तंग आ चुके हैं, क्या कहते हैं? तंग क्या चुके हैं, विश्वविद्यालय में कम से कम एक ठो स्टूडेंट को कई बार 2-3 दफा एप्लीकेशन करना पड़ता है, तब जा करके सुधार होता है। वो भी सुधार में फिर कोई ना कोई गड़बड़ी करने का सुधार होता है। विश्वविद्यालय के मेरे ख्याल से विश्वविद्यालय का प्रशासन, ये प्रोफेसर सब, परीक्षा विभाग सारे मेंटलिटी में हो चुके हैं। इन सबको रांची जाने का अत्यंत जरूरत है।
और इन लोग को कुछ और विद्यार्थी का समस्या नहीं सुलझा देता है, उसको सुलझाने के लिए समस्या नहीं है, लेकिन 50-50 लाख 80-80 लाख का लोहा जो 100 साल 200 साल पुराना लोहा हम लोग का पड़ा हुआ था यूनिवर्सिटी में एक धरोहर के रूप में, उसको झूठ फूस का इधर उधर का बहाना मार करके पहले ही सेल हो चुका है ये वो करके उसको बेच रहे हैं और अपना पॉकेट गरम कर रहे हैं। क्या किए हैं आप लोग? विगत 3 सप्ताह से हम लोग छात्र अदालत लगा रहे हैं जिसमें हम लोगों ने लगभग 1700 बच्चे का काम किया। आज हम लोग छात्र अदालत नहीं लगा पाए क्योंकि नगर निगम का चुनाव हुआ है और जब यहाँ बच्चे आए तो मुझे सूचना मिली कि यहाँ हंगामा है और ताला लगी हुई है। फिर मैंने अपने विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश जी को फ़ोन किया, वो आए और उनके मदद से लगभग 150 बच्चे का फॉर्म अभी हम लोग जमा किए हैं। यहाँ देखिए 150 बच्चे का फॉर्म जमा है, इन बच्चों का काम 10 दिनों के अंदर हम लोग करवा के देंगे। यहाँ देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर लापरवाह हैं, वो डाटा सेंटर के पास जाते हैं और जो छात्र नेता दूसरे संगठन के हैं, मैं नाम नहीं खोलना चाहूँगा, वो पैसे के दम पे 6 नंबर को 61 नंबर करवाते हैं और 25 नंबर को 53 नंबर करवाते हैं, ये हमने देखा। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार। कहिए कहाँ आए हैं और क्या समस्या है आपकी? यह यूनिवर्सिटी आए हैं, मतलब जहाँ मतलब हमको लगा कि मतलब बृहस्पतिवार को हर एक बृहस्पतिवार को मतलब छात्र अदालत लगता है यहाँ पे। जयप्रकाश भैया इसका प्रभारी है, यूनिवर्सिटी प्रभारी है यहाँ पे, मतलब छात्रों का बात सुनते हैं और उसका विकल्प निकालते हैं। तो इसी क्रम में हम बृहस्पतिवार को छात्र मतलब बहुत सारे छात्र और छात्राओं के साथ आए हुए थे, मतलब फॉर्म लेके सारा कुछ, और मतलब भैया को जमा किया है फिल करके, और मतलब छात्र अदालत बंद होने के कारण भी भैया मतलब हम सब का फॉर्म जमा लिए हैं, ठीक है, फिर भी अब हम सब भैया के समस्या है। कहाँ आए? आज हम विश्वविद्यालय छात्र अदालत में आए हुए हैं जो आज लगभग 1 महीने से यूनिवर्सिटी का चक्कर काट रहे और पार्ट 2 में जो है अब्सेंट कर दिया गया, हालांकि हम एग्ज़ाम दिए थे इसका साक्ष अभी भी मेरे एडमिट कार्ड पर अंकित है और मैं लगभग 4 बार यूनिवर्सिटी को जो है आवेदन हस्तगत करवाए हैं और अभी भी मैं अभी अपने जो छात्र संगठन के नेताजी हैं अभी उनको भी हम दिए हैं और बहुत सारे मेरे ऐसे भी दोस्त हैं छात्र हैं जिनका पार्ट 2 में प्रमोट था 2019-22 के सेशन वाला। क्या आप छात्र अदालत में आने से आपका समस्या का समाधान हो जाता है? जी जी हो जाता है समस्या का समाधान, इसीलिए ना आज हम लोग इतना लगभग हजारों के तादाद में छात्र यहाँ पे आए हुए हैं इसी उम्मीद को लेकर, और उम्मीद है कि सारे लोगों के समस्या का निदान होगा। और हम परीक्षा नियंत्रक महोदय से आग्रह करते हैं कि हम लोगों को इतना बार बार परेशान ना किया जाए और थोड़ा सुनवाई करके हम लोगों की समस्या का निदान किया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रजाउल्लाह अंसारी।